हेलो एवरीवन, वेलकम टू rsagrawal.com। तो आज हम बात करेंगे बेटा आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के पार्ट टू की। और कौन से चैप्टर की बात कर रहे थे हम पिछली क्लास में, आपके केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन। तो इस वाले जो हम सीरीज आपके लिए चला रहे हैं, इस सीरीज में हम क्या कर रहे हैं बेटा, जितने भी आपके इस पर्टिकुलर चैप्टर से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हैं और जिनके चांसेस हैं आपके आगे एग्जाम में रिपीट होने के, तो उन सारे क्वेश्चन को हम यहां पर डिस्कस कर रहे हैं। और ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इन्हीं क्वेश्चन को एग्जाम में जाने से पहले एक बार जरूर देखकर जाइएगा। और अगर अभी आपने इन क्वेश्चन को नहीं देखा है और अगर आपको लगता है कि कोई नया क्वेश्चन आपके सामने अपीयर हुआ है, तो उस क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अ सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स यूज फॉर वाइट वॉशिंग एंड, अच्छा एक्स के बारे में बताना और क्या लिखा है, व्हाट इज द सब्सटेंस एक्स के बारे में बताओ, और एक्स एक आपकी इसकी वाटर के साथ आप केमिकल रिएक्शन लिखो, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाई डज कलर ऑफ कॉपर सल्फेट चेंजेस व्हेन द आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है दोनों। आपसे अगर मैं बात करूं तो किसकी बात कर रहा है आपसे, व्हाइट वॉशिंग की बात कर रहा है। तो व्हाइट वॉशिंग के लिए आपका कौन सा सब्सटेंस होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये सब्सटेंस होता है आपका, आपने इसको किसके साथ रिएक्ट कराया सर, इसको वाटर के साथ आपने रिएक्ट कराया। तो यहां पर फॉर्मेशन किसकी होती है आपकी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की, और उसकी साथ आपकी काफी ज्यादा अमाउंट ऑफ हीट निकलती है। ये रिएक्शन कैसी होती है, एक्सोथर्मिक की एंडोथर्मिक सर, ये रिएक्शन हमारी एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन वैसी रिएक्शंस होती हैं जहां पर आपकी हीट निकलती है यानी इवॉल्व होती है। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, कॉपर सल्फेट की बात कर रहा है, ये आपका हो गया ए पार्ट। बी पार्ट की बात करें तो कह रहा है सर कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4। इसको हम डिप करें किसके साथ, आपके Fe यानी आयरन नेल की बात कर रहा है ना, तो आपका कलर चेंज हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहां पर जो आपका Fe है वो क्या करता है, इस कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। तो यहां पे क्या बन जाएगा, FeSO4 आपका बन जाएगा FeSO4 और प्लस Cu, क्लियर। ये किस कलर का होता है आपके, ब्लू कलर का, और वो किस कलर का बन जाता है आपके, ग्रीन कलर का बन जाता है। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर दे रहा आपका, और सेकंड क्वेश्चन का आंसर ये रहा। क्यों, क्योंकि Fe क्या होता है, ज्यादा रिएक्टिव होता है कॉपर से, इस वजह से उसको डिस्प्लेस कर देता है। अगला क्वेश्चन क्या है, डिफाइन कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बताओ, और ये बताओ कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है उसका एग्जांपल देना है। बहुत सिंपल है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, जब मान लीजिए आपका ए प्लस बी, इन दोनों ने आपस में कंबाइन करके एक नया प्रोडक्ट बनाया, उसको हमने क्या बोला, ए बी। तो जब आपके दो रिएक्टेंट्स या दो से ज्यादा रिएक्टेंट कंबाइन करके एक प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब ये पूछ रहा है कि आप मुझे कोई ऐसी रिएक्शन का नाम बताओ जो आपकी कॉम्बिनेशन भी हो और साथ साथ कैसी हो, एक्सोथर्मिक, मतलब जहां पर आपकी हीट क्या हो रही हो, इवॉल्व की एब्जॉर्ब, वेरी गुड, हीट इवॉल्व हो रही हो। तो कौन सा इसका एग्जाम्पल होता है, जल्दी बताइए इसका एग्जाम्पल बताओ। तो इसका एग्जाम्पल होगा कार्बन प्लस ऑक्सीजन। तो कार्बन के साथ ऑक्सीजन ऐड करते हैं तो यहां पे क्या बनता है आपका, कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके साथ हीट निकलती है। एक रिएक्शन और ले सकते हो आप, मीथेन की ले लो, मीथेन की भी सेम रिएक्शन आपकी होती है, क्लियर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाई डू वी स्टोर सिल्वर क्लोराइड इन डार्क कलर्ड वाटर, एक्सप्लेन इन ब्रीफ। देखो सिल्वर क्लोराइड की बात कर रहा है यानी आपसे AgCl की बात कर रहा है, आपके AgCl की बात कर रहा है। तो कह रहा है कि भैया इसको आप डार्क आप बॉटल के अंदर क्यों रखते हो, क्योंकि बेटा ये सनलाइट की प्रेजेंस में ना ये आपका उड़ जाता है यानी ये फोटो सेंसिटिव होता है, जैसे इसके ऊपर सनलाइट पड़ी तो ये क्या करता है, डीकंपोज हो जाता है आपका, किसमें, सिल्वर में और क्लोरीन में। तो इसीलिए इसको डार्क बॉटल में, हमेशा आपके सिल्वर क्लोराइड को किसमें रखा जाता है, डार्क बॉटल में रखा जाता है, क्लियर हो गई वाला पॉइंट। चलिए अगला अगर हम क्वेश्चन पढ़ें तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया काफी बार। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड डिफाइन ईच ऑफ देम, मतलब आपको बताना है कि किस टाइप की रिएक्शन है
और आपको एक्सप्लेन करना है। 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, पहला क्या बोल रहा है, डाइजेशन ऑफ आर फूड इन आर बॉडी, मतलब खाने का जो डी आपका होता है हमारी बॉडी के अंदर वो किस टाइप की रिएक्शन का होता है। तो बेटा वो टाइप होता है डीकंपोजिशन रिएक्शन का, मतलब ए का क्या आएगा आपका, डी कॉम्पोजिशन रिएक्शन। सर ऐसा क्यों, क्योंकि बेटा आपने जो फूड खाया वो एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, आपके दांत क्या करते हैं उसको तोड़ देते हैं, और तोड़ने के बाद यानी उसको क्या करते हैं, डीकंपोज कर देते हैं, मतलब तोड़ देना, तो इसको हम क्या कहते हैं, डीकंपोजिशन। सेकेंड की बात करें रस्टिंग ऑफ आयरन, तो ये किसका टाइप होता है बेटा आपका, ऑक्सीडेशन, जहां पे आपकी ऑक्सीडेशन आपको मैं बता चुका हूं, जहां पर आपकी ऑक्सीडेशन ऑक्सीजन ऐड होती है, हाइड्रोजन लूज होते हैं, एनोड पे होती है और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अगला क्या है, हीटिंग ऑफ मैग्नीशियम डाइऑक्साइड विद एल्युमिनियम पाउडर, ये अच्छा है, यहां पे क्या होगा आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के होगा। अगर मैं फोर्थ की बात करूं तो फोर्थ में क्या है, द ब्लू कलर ऑफ कॉपर सल्फेट डिसअपीयर व्हेन आयरन फिलिंग एडेड टू इट, तो ये कौन सा होगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगली वाली क्या है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl को किसके साथ रिएक्ट कराया, NaOH के साथ, तो क्या बनता है यहां पर, NaCl प्लस वाटर, तो ये वाला लास्ट वाला किसका होगा आपके, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये वाला कैसे होगा, अगर ये मैंने अभी आपको बताया, अभी हमने पीछे पढ़ा था कॉपर सल्फेट को अगर हम आयरन के साथ डालते हैं तो क्या बॉन्ड फॉर्म होता है, फेरस सल्फेट प्लस कॉपर आपका निकल जाता है। तो इन सभी के आंसर यहां पर आपके लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं, ये रहा आपका डीकंपोजिशन, ऑक्सीडेशन, डिस्प्लेसमेंट, फिर आपका अगेन डिस्प्लेसमेंट, और फिर क्या आ गया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। क्लियर हो गई, इनका अगर आप रिएक्शन का टाइप लिखना चाहें तो सभी के नीचे एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, आपको सभी की बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है जब आपको ये पांचों आपके दिए हुए हैं। तो बहुत सिंपल है, देख लेते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। सर पहला कह रहा है कि आपने क्या करा है, NaOH के साथ, पहले आप सभी के बारे में लिख लो कि NaOH के साथ किसको रिएक्ट कराया, सर जिंक को रिएक्ट कराया, ठीक है जी। दूसरे में क्या कह रहा है, एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विद लाइम वाटर, यानी बी वाला क्या है कि एक्सेस ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड को हमने किसके साथ रिएक्ट कराया है, आपके लाइम वाटर के साथ, ठीक है जी। अगला क्या बोला हुआ है, सल्फ्यूरिक एसिड विद सोडियम कार्बोनेट, बहुत सिंपल है, देख लेते हैं, ये ध्यान रखना ये एक्सेस में। अगले में क्या बोला है इसने, सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4 की बात कर रहा है, किसके साथ, आपके सोडियम कार्बोनेट। पहले बेटा हमेशा जब भी कुछ भी दिया हो ना, पहले लिख लिया करो आपको क्या क्या चीजें दी हुई हैं, उसके बाद क्वेश्चन करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। इसके क्या बात बोला है इसने, एग शेल यानी कैल्शियम कार्बोनेट की बात कर रहा है, एग शेल के अंदर कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट विद HCl, ठीक है जी। अगला लास्ट वाला क्या दिया है इसने, कॉपर ऑक्साइड, आपको कॉपर टू ऑक्साइड बोला हुआ है, प्लस आपका बोला डाइल्यूट HCl, ये आपको पांच रिएक्शन दिए, आपको इन पांचों रिएक्शन को कंप्लीट करना है, बहुत ही सिंपल है। फर्स्ट वाले में क्या बनेगा आपका, सोडियम जिंकेट बनेगा आपका, यहां पर क्या बनेगा आपका, यहां पर सोडियम जिंकेट बनेगा, और इसके साथ आपका यहां पर बायप्रोडक्ट्स निकलेंगे। सेकेंड वाले रिएक्शन में आपका बाई कार्बोनेट बनेगा, यहां पे आप देख सकते हैं ये आपकी सारी आ गई। तो फर्स्ट वाली रिएक्शन में क्या बना आपका, सोडियम जिंकेट और आपका हाइड्रोजन, यहां से गैस निकली। सेकेंड वाली रिएक्शन में देख सकते हैं लाइम वाटर के साथ CO2 डाला, तो क्या निकला, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, Na2CO3 और H2O4 ये आपस में रिएक्ट करे तो क्या बन गया, सोडियम सल्फेट वाटर और CO2। अगले वाले रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl, तो यहां पे कैल्शियम क्लोराइड H2 और CO2, और लास्ट वाले में क्यूपर आपका जो कॉपर ऑक्साइड था वो आपका किसके साथ, HCl के साथ मिलके क्या बना दिया इसने, कॉपर क्लोराइड। तो ये पांचों रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के अंदर कुछ भी आपसे पूछी जा सकती है, तो इन पांचों रिएक्शन को नोट डाउन कर लेना और इन सबके बारे में आप लिख लेना, बहुत सिंपल होता है रिएक्शन को याद करना, तो इनको याद कर लेना। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन क्या है आपका, डिफाइन द बैलेंस केमिकल इक्वेशन एंड व्हाई डू एन इक्वेशन बी बैलेंस, बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है आप उसके बारे में बताएं, और इक्वेशन को बैलेंस करने की क्या नीड पड़ती है, क्या जरूरत क्या है इसको बैलेंस करने की। देखो जब आपके लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे अगर आपके नंबर ऑफ एलिमेंट्स
बराबर होंगे तो उसको बोलते हैं बैलेंस इक्वेशन। अगर लेफ्ट साइड पे और राइट साइड पे यानी रिएक्टेंट वाली साइड पे और प्रोडक्ट वाली साइड पे अगर आपके नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स बराबर नहीं है, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स बराबर नहीं है ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड, तो उसको क्या बोलते हैं? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। और उसको बैलेंस किया जाता है, क्यों किया जाता है? क्योंकि एक बाय द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट शुड बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो रिएक्टेंट के अंदर जो मास होगा वो आपका बराबर होना चाहिए किस साइड पे? प्रोडक्ट पे। तो इसीलिए आपकी रिएक्शन की बैलेंस की जाती है। ये चीज आप यहां पर पढ़ सकते हो दोनों में, क्लियर। अगला क्वेश्चन क्या है? राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर फॉलोइंग। आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है। फॉस्फोरस को आपने कहा, बहुत सिंपल है, पहले आप इक्वेशन लिखो जो मैंने आपको बताया। फॉस्फोरस को अगर आप किसके साथ कराते हैं? क्लोरीन के साथ। चलो मैं आपको रिएक्शन लिख देता हूं पूरी, आप इसको बैलेंस करना। दूसरा वाला क्या दिया है आपको? बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस यानी CH4। CH4 को अगर हम बर्न करते हैं तो यहां पे आपका CO2 हीट। और लास्ट क्या बोला है? रेस्पिरेशन के लिए, रेस्पिरेशन भी लिख देता हूं आपके लिए। इसका आप मुझे बताएंगे, आप बैलेंसिंग करिए जल्दी से और मुझे बताएं कि यहां पे आपका आगे प्रोडक्ट क्या फॉर्म होने वाला है। रिएक्शन तो मैंने लिख दिया, अब इनकी आप जल्दी से बैलेंसिंग कीजिए। क्या करना है आपको? देखने हैं कि आपके लेफ्ट हैंड साइड पे जो एलिमेंट्स और राइट हैंड साइड पे एलिमेंट मौजूद हैं उनके नंबर ऑफ एटम्स बराबर है कि नहीं है। तो आप बैलेंस करेंगे तो ये P4 है, इसको यहां पर क्या कर लो? 4 कर लो। अब ये तो बराबर हो गए, बट यहां पर कितने थे आपके? 5 था, 5 × 4 = 20 और ये 2 दिया हुआ, तो ये कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। देखो बराबर हुए कि नहीं हुए? हो गए। नीचे वाली रिएक्शन को करो, तो आप तीनों रिएक्शन को आराम से बैलेंस कर सकते हो। तो आराम से जब आप बैलेंस करोगे तो आपकी ये रिएक्शन बन जाएगी। यहां पे फास्फोरस को खाली P की फॉर्म में दिखा रखा है। आपको जनरली फास्फोरस की मैं बात करूं तो वो P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बट ये वाला भी आपका चल जाएगा। अगला क्वेश्चन, आपको ये CH4 डाला दे रखा है, मैंने आपको बताया यहां पर CO2 और वाटर बनता है। ये आपको ग्लूकोज को दे रखा है, मतलब रेस्पिरेशन प्रोसेस दे रखा है जिसके अंदर आप इसको ऐसा फॉर्म होता है। तो ये सारे क्वेश्चन थे आपके, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम के अंदर बहुत बार इनमें से क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। अगर आपको, आई होप ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ और नए कॉन्सेप्ट के साथ, एक नई वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।